हेलो फ्रेंड्स एंड वंस अगेन वेलकम टू इंस्टाग्राम मास्टर क्लास कोर्स पावर्ड बाय WS क्यूबटेक। गाइस लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से इंस्टाग्राम डेस्कटॉप काम करता है और किस तरीके से वो अलग है जो इंस्टाग्राम की मोबाइल ऐप है उससे। तो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम इंस्टाग्राम ऐप को डाउनलोड करेंगे, बेसिकली चाहे वो iOS प्लेटफॉर्म हो वहाँ से या वो जो हमारा एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म होता है वहाँ से। तो दोनों से ही मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप लोग नॉर्मल जानते होंगे कि प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से किस तरीके से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, बट वहाँ से डाउनलोड करने में भी आपको कुछ ना कुछ जो है सावधानी बरतनी चाहिए, कुछ और चीज़ें हैं जो वहाँ पर समझनी चाहिए। तो वो चीज़ मैं आपको अपने मोबाइल में करके दिखा देता हूँ दोनों ही प्लेटफॉर्म पर। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आ जाता हूँ प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में मैं यहाँ पर मेरे सामने है इंस्टाग्राम की ऐप। तो आप देखेंगे कि जो आप नॉर्मली क्या करते होंगे, अभी तक नॉर्मली आप यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करते होंगे और आपकी ऐप इंस्टॉल हो जाती होगी आपके डिवाइस के ऊपर, उसके बाद फर्दर आप उसे यूज़ करते होंगे। बट मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप उसकी बेसिकली रेटिंग्स देखें, और रेटिंग्स देखने के बाद आप उसके रिव्यूज़ देखें। ये तो चलो बहुत पॉपुलर ऐप है, इंस्टाग्राम एक बहुत पॉपुलर ऐप है, इसलिए यहाँ पर जो है आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बट जो भी आप ऐप्स डाउनलोड करते हैं, क्योंकि वो थर्ड पार्टी ऐप्स होती हैं, तो डेफिनेटली आप इस चीज़ का थोड़ा सा जो है एहतियात रखें। एंड नेक्स्ट यहाँ पर नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे रीड मोर लिखा हुआ है। तो जैसे ही मैं रीड मोर पर क्लिक करूँगा आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और इस ऐप के बारे में पता चल जाएगी, जैसे कि ये इस ऐप को किस लिए यूज़ करना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं डेफिनेटली चेक करता हूँ वो यहाँ पर है, एक तो उसका डाउनलोड साइज़, उसका डाउनलोड साइज़ कितना है, और साथ ही साथ उसमें उस ऐप कौन कौन सी परमिशंस आपसे मांगने वाली है। तो यहाँ पर जो सी मोर लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इंस्टाग्राम का जो 91.0.0.18.118 वर्जन है, ये बेसिकली जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये आपके डिवाइसेस से कौन कौन सी परमिशंस मांगेंगी। इस पोर्शन को आप डेफिनेटली थोड़ा सा ध्यान देकर देखा करें और उसके बाद आप ऐप को इंस्टॉल किया करें। डेफिनेटली अगर आप ऐप को नॉर्मली भी इंस्टॉल कर लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बट मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगा कि हमेशा आप इस तरीके से इसको किया करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैमरा डेफिनेटली, जैसे मैंने बताया इंस्टाग्राम का जो बेस है वही फोटो और वीडियो शेयरिंग ऐप है, तो कैमरा तो डेफिनेटली वो एक्सेस ही करेगा। देन नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट्स, क्योंकि जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल सेट करेंगे तो वो प्रोफाइल सिंक होगी आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके साथ, ताकि वो आपको बेटर सजेशन दे पाए कि और कौन से आपके कॉन्टैक्ट्स इंस्टाग्राम पर हैं, ताकि आप उनको फॉलो कर सकें और उनसे इंटरेक्शन कर सकें। थर्ड इज लोकेशन, जैसे कि आप फोटोज वगैरह में टैगिंग करते हैं तो पीपल टैगिंग के साथ या प्रोफाइल टैगिंग के साथ आपको लोकेशन टैगिंग के भी ऑप्शन मिलते हैं, इसलिए इनको लोकेशन एक्सेस चाहिए होगा इंस्टाग्राम ऐप को, ताकि वो आपके GPS के थ्रू लोकेशन को एक्सेस कर सके और उसके बाद नॉर्मली आप उस लोकेशन को इनपुट कर सके। माइक्रोफोन, टेलीफोन, स्टोरेज और कुछ अदर में भी आप देखें, अदर में भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, आपको नॉर्मली इन सब चीज़ों को थोड़ा बहुत ज़रूर स्टडी करना है और उसके बाद नॉर्मल सा आप जो करते हैं आपको इस पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, एंड विद इन फ्यू मिनट्स यू विल सी दैट योर एप्लीकेशन इज़ डाउनलोडेड। तो यहाँ पर ये डाउनलोड हो रही है, नाउ इट विल बी डाउनलोडेड ऑन दिस डिवाइस। तो गाइज़ ये तो एंड्रॉयड की बात हो गई कि एंड्रॉयड में आपको ये सावधानी बरतनी और इस तरीके से आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। अगर हम बात करें iOS प्लेटफॉर्म की, क्योंकि आगे जितने भी जो मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ वो जितनी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी, जो भी आप देखेंगे इंस्टाग्राम का अकाउंट मैं इनिशियली एक सेटअप करूँगा और उसके बाद उसी पर्टिकुलर अकाउंट से आपको पूरी नॉलेज मैं देने वाला हूँ, तो वो जिस डिवाइस पर रिकॉर्ड करूँगा वो बेसिकली iOS डिवाइस होगा। तो यहाँ पर मैं आपको iOS के ऐप स्टोर में भी एक बार दिखा देता हूँ कि इंस्टाग्राम ऐप की किस तरीके से लिस्टिंग करी गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही अपने ऐप स्टोर पर क्लिक किया, और ऐप स्टोर पर क्लिक करने के बाद नॉर्मली हमें यहाँ पर क्या टाइप करना है, इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम ऐप दिख रही है, वही आपको भी करना है नॉर्मली। थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में पढ़ लेना है, यहाँ से अगर हम मोर पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि वही सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर भी मिल रही हैं, एंड देन रेटिंग्स वगैरह हैं, और उसके बाद और फर्दर जो है इन्फॉर्मेशन है, प्राइवेसी पॉलिसी भी यहाँ पर दी हुई है। तो थोड़ा बहुत आप कोशिश करेंगे इन चीज़ों को इग्नोर बिल्कुल भी ना करें और इनको थोड़ा सा पढ़ें। नाउ आई विल क्लिक ऑन दिस इंस्टॉल वाला जो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इट विल बी इंस्टॉल्ड विद इन फ्यू मिनट्स डिपेंडिंग ऑन माई इंटरनेट कनेक्शन और योर इंटरनेट कनेक्शन।
सो गाइड इट्स डाउनलोड इज कंप्लीट नाउ। अब ये कंप्लीटली डाउनलोड हो चुकी है इस डिवाइस के ऊपर। अगर आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली आप जो इंस्टाग्राम है वो ओपन हो जाएगी, इंस्टाग्राम ऐप ओपन हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर मुझे बेसिकली जो मेरा पुराना अकाउंट है वहाँ से ये लॉगिन के लिए बोल रहा है, प्रॉम्प्ट कर रहा है कि यू कैन लॉग इन फ्रॉम योर ओल्डर अकाउंट। या फिर अगर आपका कोई नया अकाउंट आपको साइन अप करना है, नया अकाउंट बनाना है इंस्टाग्राम के ऊपर विद द हेल्प ऑफ योर फोन और ईमेल, तो आप वो यहां से बना सकते हैं। तो गाइज इस पर्टिकुलर मॉड्यूल 2 में इतना ही। बेसिकली 3 वीडियोस हम लोगों ने कवर किए मॉड्यूल 2 में और आशा करता हूँ आपको ये तीनों वीडियोस समझ में आए होंगे। और हर पर्टिकुलर मॉड्यूल के एंड में मैं एक क्विज या जो है कुछ कंटेंट भी आपको साथ में दूंगा ताकि आप कुछ एक्सरसाइज भी साथ ही साथ प्रिपेयर कर सके। तो दैट्स फॉर दिस मॉड्यूल नंबर 2। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं मॉड्यूल 3 स्टार्ट करने वाला हूँ और वहाँ पर ही हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम बेसिकली इनिशियल लेवल पर एक इंस्टाग्राम अकाउंट स्टार्ट करने वाले हैं। टिल देन गुड बाय।